विश्व गुरु बनने के पथ पर अग्रसर आज का भारत अपने स्वदेश निर्मित तकनीक से कृषि को सुगम बनाने से लेकर अंतरिक्ष के कोनों को मंगलयान से नापकर एक नए युग के आरंभ का दम भरता हमारा सक्षम देश आज प्रगति पथ पर अग्रसर है। शोध के माध्यम से संसाधनों, ऊर्जा, अन्न और स्वास्थ्य जैसी आज की मूलभूत चुनौतियों का हल ढूंढना न सिर्फ संभव है बल्कि रक्षा और अंतरिक्ष जैसे मुद्दों में भी भारत ने बारंबार खुद को सक्षम और स्वावलंबी साबित किया है। 2016 में गठित RFRF का उद्देश्य रहा है रिसर्च फॉर रिसर्जेंस। रिसर्जेंस यानी पुनरुत्थान, जैसे शब्द के बारे में सोचता हूं तो मन मस्तिष्क में पहली छवि स्वामी विवेकानंद जी की उभर करके आती है। स्वामी विवेकानंद ने ही दशकों पहले भारत के दर्शन की शक्ति का रिसर्जेंस दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। रिसर्च फॉर रिसर्जेंस नाम से चले इस अभियान की परिणति फरवरी 2016 में नागपुर में हुई अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में हुई। रिसर्च के माध्यम से रिसर्जेंस, अनुसंधान के माध्यम से पुनरुत्थान कैसे करें उसके ऊपर विचार विमर्श करें, इसकी प्रतिश्रुति यह हुई कि इसके बाद में इसके स्थायी स्वरूप देने के लिए रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन की स्थापना हुई। विश्व के 10 से अधिक देशों से 720 से अधिक विद्वानों ने इस संगोष्ठी में सहभाग लिया और अत्यंत परिणामकारी चर्चा के द्वारा यह संगोष्ठी सफलता को प्राप्त हुई। रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन में हम इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा शोध क्या वैश्विक मूल्यों की कहीं ना कहीं रक्षा कर रहा है या कहीं ना कहीं वैश्विक संदर्भ में उपयोगी हो रहा है, भारतीय संदर्भ में उपयोगी हो रहा है, इन बातों का भी ध्यान रखा जाए। RFRF इज नॉट जस्ट अ सिंगल इंस्टीट्यूशन बट इट्स अ नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रीज, इनोवेटर्स एंड ऑफ कोर्स द इन्फ्लुएंशियल्स। रिसर्च इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन। सृष्टि में रिसर्जेंस एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, निसर्ग में रिसर्जेंस इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। ये मुझे लगता है कि ये जो हमारे वैज्ञानिक है, अगर ये रिसर्च करते तो कौन सा वेस्ट मटेरियल कहाँ अवेलेबल है और किसको किसका उपयोग करना चाहिए, इसका जो समन्वय होगा तो कॉस्ट इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़े करने वाली इकोनॉमी हम निर्माण कर सकते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि अनुसंधान वो होता है जो एक सकारात्मक सोच की ओर हमको ले जाता है और उस सकारात्मक सोच को यथार्थ में लाने का उपकरण बनता है, उसको हम अनुसंधान कहते हैं। जो हमें निसर्ग ने दिया है, जो प्रकृति ने दिया है, उस चीज को समझकर अगर हमारा अनुसंधान हो तो हम विनाश की ओर नहीं जाएंगे, विकास की ओर जाएंगे। द रियल रिसर्च इज दैट विच एड्स न्यू नॉलेज टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज, दैट्स द मार्क ऑफ PhD, दैट्स द रिसर्च। रिसर्च हैपन्स ओनली व्हेन यू चैलेंज द स्टेटस को। रिसर्च हैपन्स ओनली व्हेन यू चैलेंज द एग्जिस्टिंग सिस्टम, यू आर चैलेंजिंग दैट स्टेटस को, देन यू कम आउट विथ समथिंग न्यू। पीपल डू रिसर्च एंड और मे बी प्रिटेंड टू डू रिसर्च and finally come out with nothing, neither science, neither the practical application. So it's a sad state of affairs and we have to change this. Now research should not be limited to only PhDs or career promotions. Yes, it is required for that also. But as our honorable speakers have mentioned, that we should develop the research attitude and aptitude in our young people. Innovation consists of three elements. First, you have to recognize the problem. That needs analytical thinking. Second, you have to come up with a solution, which is partly analytical, partly creative. The third element of innovation is implementation, which is the biggest part of innovation. That in the year 1964, they had a problem of a vacuum pusher for anti-aircraft gun. And so to get one vacuum box,
you have to spend 40,000 rupees. And so they could not order. Nearly 500 vacuum pushers were needed. And that Air Vice Marshal told me he was in charge of the anti-aircraft gun at that time. And he asked one of the Ramgadiya engineers, can you try this? He was given a temporary job for 3 months. And he replicated the whole thing at a cost of 2,000 rupees. And it is that anti-aircraft gun which shot down nearly 27 Sabre jets of Pakistan in the 1965 war. देश का वो पुनरुत्थान जो भारत को विश्व पटल पर वैज्ञानिक और तकनीकी तौर पर एक लीडर बनकर उभरने का मार्ग प्रशस्त करे। हमारा मिशन है एक विश्व स्तरीय संस्थान, एक फैसिलिटी जहां संसार के सारे विद्वान एक साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, पर्यावरण तथा मानव कल्याण जैसे जागतिक महत्वपूर्ण विषयों पर शोध कार्य करें। वो केवल समस्याओं की चर्चा न करते हुए उनके निदान के ऊपर भी कार्य करे, ये हमारा उद्देश्य है। अनुसंधान देश के हित के लिए हो, अनुसंधान मानव जाति के कल्याण के लिए हो, अनुसंधान स्वयं की प्रज्ञा का आविष्कार करने के लिए हो, चाहे वो किसी के उपयोग का ना हो, लेकिन मेरे स्वयं के प्रज्ञा के आविष्कार के लिए मैं कर रहा हूँ। हम अपने योगदान से क्या उन लोगों के इनोवेशन को बढ़ावा दे सकते हैं जो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जो आज भी भाषा की चुनौतियों को पार करने में सक्षम नहीं हुए हैं, लेकिन जिनका इनोवेशन अपने आप में रिसर्च की दृष्टि से देश के लिए, समाज के लिए सार्थक हो पाएगा? That science and technology is not beyond us, but it is around us. Artificial intelligence, machine learning, 5G technology, blockchain, big data analysis, जैसे क्षेत्रों में हमारे युवा ये वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं, बनाने हैं हमें। हम सब ये जानते हैं कि हमारा देश टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स पे दुनिया का बहुत बड़ा है। रिसर्जेंस तभी संभव है जब हम सब एक कदम आगे बढ़े। नए भारत के लिए ऐसे विषयों का मंथन बहुत ही आवश्यक भी है और समय की मांग भी है। शोध, शोधकर्ता, संसाधन एवं विस्तार वे चार स्तंभ हैं जिन पर आरएफआरएफ की नींव टिकी है। पिछले 2 वर्षों में आरएफआरएफ ने 36 विश्वविद्यालयों और 5 औद्योगिक इकाइयों, शोधशालाओं तथा 7 आउटरीच सेंटर्स में अपनी पहुंच बनाई है। इन शोधशालाओं में आरएफआरएफ के सहयोग से नए केंद्र बनाए जाएंगे जहां शोधार्थी एग्रीकल्चर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एनवायरनमेंट जैसे विषयों पर शोध और संशोधन कर भारतीय संस्कृति के बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के प्रबल विचार और संकल्पना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में सहभागी बनेंगे। भारत विश्व की एकमात्र ऐसी संस्कृति है जिसमें वेद काल से ही सर्वे भवन्तु सुखिना की संकल्पना चली। सारे विश्व के कल्याण की कामना से चलने वाले इस विचार पर आधारित रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन आरएफआरएफ अपने कार्य के द्वारा भारत माता को पुनः एक बार विश्व गुरु के पद पर आसीन करे, यह उदात्त स्वप्न लेकर के हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। आरएफआरएफ विश्व शांति और विश्व बंधुत्व का संदेश सारे विश्व तक पहुँचाने के लिए वचनबद्ध है।